तो दोस्तों आज हम लोग हैं विजयनगरम में। विजयनगरम आंध्र प्रदेश में स्थित है और अपने किले के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि विजयनगरम का किला 400 साल पुराना है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से विजयनगरम का किला लगभग 45 किलोमीटर दूर है, जहां आप बस से आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको विजयनगरम का किला दिखाते हैं। विजयनगरम का किला 18वीं शताब्दी का एक प्रारंभिक किला है, जिसका निर्माण 1713 ईस्वी में विजयनगरम राज्य के राजा विजया राम राजू द्वारा किया गया था। यही विजयनगरम का किला है, जो कि रोड से ही हमें दिखाई पड़ता है। विजयनगरम किले का यह मोती महल है, जो कि 3 मंजिला सफेद इमारत है। इस सफेद इमारत मोती महल को दरबार हॉल या फिर शाही दरबार भी कहा जाया करता था। मोती महल के पूर्वी द्वार पर प्राचीन समय का एक बड़ा मुख्य दरवाजा दिखाई पड़ता है, जिस पर हरे रंग से पुताई की गई है। यहीं से किले में प्रवेश किया जाता है। मुख्य दरवाजा ऊंचाई और चौड़ाई में बहुत ज्यादा है। किले के पूर्वी मुख्य दरवाजे से अंदर आते ही मोती महल की 3 मंजिला सुंदर इमारत दिखाई पड़ती है। ये मोती महल 3 ओर से घिरा है, जिस पर कई दरवाजे और खिड़कियां स्थापित हैं। मोती महल के एक ओर अति प्राचीन काल पत्थर की माता सरस्वती की एक प्रतिमा भी देखी जा सकती है। मोती महल को आज के समय संग्रहालय में परिवर्तित किया जा चुका है, जहां राजाओं की पोशाकें, तलवारें, कई प्राचीन पेंटिंग्स और विभिन्न मूर्तियों को रखा गया है। पर आज के समय ये संग्रहालय आम जनता के लिए नहीं खोला जाता है। प्राचीन समय में मोती महल में ही राजा का आम दरबार लगा करता था, जिसे दीवाने आम कहा जाता था। यहीं पर राजा आम जनता से मिला करते थे। इसी मोती महल में ही विशेष अतिथि गृह भी है, जहां राजा अपने विशेष अतिथियों से मिला करते थे, जिसे दीवाने खास कहा जाता था। मोती महल के दूसरी ओर एक और प्रवेश द्वार दिखाई पड़ता है, जो कि पत्थरों से बना बेहद ही मजबूत द्वार है। इस द्वार के दोनों ओर 2 पिलर्स स्थापित हैं, जिस पर सुंदर कलाकृतियों को उकेरा गया है। यह प्रवेश द्वार काफी भव्य और मजबूत प्रतीत होता है, जिसे तोड़ पाना काफी मुश्किल होगा। तभी यह द्वार आज के समय भी सही सलामत दिखाई पड़ता है। इस द्वार के एक ओर एक वीरान कोठी नजर आती है। यह पहरेदारों के लिए बनाई गई कोठी है, जो कि आज के समय खंडहर और टूटी हुई दिखाई पड़ती है। इस कोठी के अंदर कुछ सीढ़ियां भी बनी हैं, जो कि कोठी के ऊपर छज्जे की ओर जाती हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर सैनिक छज्जे पर 24 घंटे पहरा देने का कार्य किया करते होंगे। इस कोठी के सामने एक उद्यान दिखाई पड़ता है, जहां विभिन्न पौधों को लगाया गया है। यह स्थान काफी हरा भरा दिखाई पड़ता है। विजयनगरम के इस किले में आज के समय स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए गए हैं, और इस किले में स्थित विभिन्न महलों का प्रयोग ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस और स्टोर के रूप में किया जा रहा है। और बचे हुए महलों के कमरे या तो वीरान हैं या तो खंडहर हैं। विजयनगरम किले के कई महलों में से एक ये अलकनंदा पैलेस है, जिसे प्राचीन समय में शाही गेस्ट हाउस के रूप में बनाया गया था। इसका निर्माण शाही मेहमानों के लिए आलीशान शैली में किया गया था, जो कि किले में स्थित बगीचों के बीचों बीच स्थित है। यह अलकनंदा पैलेस आज के समय भी बेहद खूबसूरत इमारत के रूप में दिखाई पड़ती है। इसको कई पिलर से मिलकर बनाया गया है। इस पैलेस में विभिन्न कमरे हैं, जिसमें आज के समय कॉलेजेस लगते हैं। अलकनंदा पैलेस के पीछे की ओर एक बड़ा सा ग्राउंड है, जिसके चारों ओर भी कई कमरे बने देखे जा सकते हैं, जिसका प्रयोग कॉलेज प्रशासन क्लासेस लगाने के लिए करता है। स्कूल प्रशासन ने कई सारे बिल्डिंग भी किले के अंदर बना दी है, जिससे आज के समय विजयनगरम किले का अस्तित्व खत्म सा हो गया है। अब इस विजयनगरम का किला केवल स्कूल के नाम से जाना जाता है। विजयनगरम किले के कुछ अवशेष स्कूल प्रांगण में यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए देखे जा सकते हैं, जो कि ये याद दिलाते हैं कि विजयनगरम किले की कितनी अधिक शानो शौकत रही है। स्कूल बिल्डिंग के पीछे की ओर एक बड़ा स्विमिंग पूल देखा जा सकता है। यह स्विमिंग पूल प्राचीन समय का ही है,
जिसे बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से शाही परिवार के स्नान के लिए बनाया गया होगा, जो कि आज के समय टूटा फूटा खंडहर नजर आता है। आंध्र प्रदेश प्रशासन की लापरवाही के कारण इस विजयनगरम किले का अस्तित्व अब खत्म हो गया है। अब प्रांगण में पड़े ये अवशेष ही किले की रौनक बढ़ा रहे हैं। किले के अंदर ही स्कूल की एक बड़ी लाइब्रेरी बनी देखी जा सकती है, जिसमें कई स्टूडेंट पढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी लाइब्रेरी की पीछे की ओर किले का पश्चिमी द्वार है। इस द्वार के ऊपर एक मंडप बना हुआ है। पश्चिमी द्वार भी पूर्वी द्वार की तरह विशालकाय है। यहाँ कठोर लकड़ी का एक ऊंचा दरवाजा लगा हुआ है, जिस पर हरे रंग से पुताई की गई है। यह पश्चिमी द्वार प्रायः आज के समय बंद रहता है। प्राचीन समय में इस द्वार का प्रयोग शाही शवों को शमशान घाट ले जाने और शाही कब्रों तक पहुंचाने में किया जाता था। कहा जाता है वर्तमान समय में शाही कब्रों की जगह प्रशासन ने एक पार्क बना दिया है, जो कि कभी खाई हुआ करता था। पश्चिमी द्वार के एक ओर कुछ सीढ़ियों की सहायता से पश्चिमी द्वार के ऊपर की ओर जाने का रास्ता है। यह स्थान सैनिकों की चौकसी का स्थान था। यहाँ कोने में एक बुर्ज बना है। ये बुर्ज किले के चारों ओर बने देखे जा सकते हैं। इस बुर्ज पर किले के सैनिक पहरा देने का कार्य करते थे। यहाँ बने बुर्ज से किले के अंदर और किले के बाहर दूर दूर तक देखा जा सकता है। विजयनगरम किले का यह बुर्ज आकार में काफी बड़ा है। यहाँ कई सैनिक एक साथ पहरा दे सकते हैं। इतना बड़ा बुर्ज तो किसी किले पर बना हुआ तो हमने पहली बार देखा है। इस बुर्ज के अंदर कई कमरे बने हैं, जहाँ सैनिक विश्राम किया करते थे, परंतु वहाँ जाने का दरवाजा हमेशा बंद मिलता है। विजयनगरम किले के पश्चिमी द्वार के ऊपर एक सफेद रंग से पुता हुआ मंडप स्थापित है, जो कि कई पिलर से मिलकर बना है। आप किले में हो या किले के आसपास कहीं भी हो, ये चमकता हुआ मंडप आप दूर से देख सकते हैं। इस मंडप को राजस्थानी हिंदू शैली के मिश्रण से बनाया गया है। मंडप के चारों ओर दीवारों पर प्रायः तीन तीन ऊंचे द्वार देखे जा सकते हैं। इस मंडप के छोटे भाग पर सीढ़ी से जाने से आसपास के सुंदर नजारे दिखाई पड़ते हैं। इस पश्चिमी द्वार के पीछे की ओर भी एक पक्की सड़क बनी है, जो कि मंडप द्वार से देखी जा सकती है। यह पश्चिमी द्वार पर बना हुआ मंडप ही एकमात्र स्थान है जो कि किले की शोभा बढ़ाता है और किले की याद को आज भी जीवित रखा हुआ है। नहीं तो किले के और भाग या तो टूट गए हैं, खंडहर हैं या विलुप्त हो गए हैं। बची है तो नई बिल्डिंग्स, जहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश को भारत के सबसे प्रमुख राज्यों की सूची में शामिल किया गया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की समुद्री सीमा व्यापार के उद्देश्य से काफी व्यापक क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसी कारण से आंध्र प्रदेश का विजयनगरम का किला भारत के कुछ सबसे बड़े और धनी किलों में से एक था। यह विजयनगरम का किला बंगाल की खाड़ी के तट से सिर्फ 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो प्रायः इस किले का प्रयोग भी व्यापार के लिए ही किया जाता होगा। इस किले के निर्माण के संबंध में एक कथा ऐसी है कि इस किले के निर्माण के लिए स्थान का सुझाव यहाँ के राजा विजय राम राजू को एक मुस्लिम संत महबूब वल्ली द्वारा दिया गया था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार विजया के नाम से जाने जाने वाला यह किला दीपावली से ठीक पहले विजयादशमी के दिन इस किले की नींव रखी गई, जब पूरा भारत देश दशहरा का उत्सव मनाता है। इस किले के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी, जैसे कि युद्ध संबंधी या प्रशासन संबंधी, तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किले का ज्यादातर प्रयोग व्यापार संबंधी क्रियाकलापों में किया जाता होगा। किले की नींव रखते समय औपचारिक समारोह बहुत ही शुभ था, क्योंकि विजयदशमी के दिन रखी गई नींव जीत के 5 संकेतों का प्रतिनिधित्व करती थी। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश में कई अच्छी तरह से निर्मित किले हैं, क्योंकि इन किलों पर हमेशा से पड़ोसी राज्यों से आक्रमण का अंदेशा था। गोलकुंडा और बीजापुर की रियासतों ने
विजयनगरम और अन्य रियासतों के लिए खतरा पैदा किया, परंतु विजयनगरम का किला आत्मनिर्भर था। खाद्यान्न और पानी की आपूर्ति पर्याप्त थी ताकि किसी भी आपात स्थिति से सामना किया जा सके। विजयनगरम का किला एक लोकप्रिय किला था जो कि बेहतर किलेबंदी के लिए जाना जाता था। तो दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।